सोशल ग्रुप वर्क प्रोसेस, ठीक है। तो अब इसमें हम पढ़ेंगे प्रोसेस कैसे होती थी, केस वर्क की जैसे प्रोसेस होती थी तो उसकी भी कुछ प्री डिटरमाइंड प्रोसेस है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम स्टडी करते हैं, ठीक है ना। स्टडी के बाद हमारा रहता है डायग्नोसिस, फिर उसके बाद हमारा रहता है ट्रीटमेंट, फिर उसके बाद रहता है हमारा इवेल्युएशन, ठीक है। इवेल्युएशन के बाद हमारा पूरा एक दो तीन चार, ठीक है, चार स्टेज में हमारा पूरी सोशल ग्रुप वर्क की पूरी प्रोसेस यहाँ पे हमारी खत्म हो जाती है, ठीक है ना। तो अब क्या है, देखो सोशल ग्रुप वर्क है, ठीक है, सबसे ज़्यादा वेक टॉपिक ये है, क्योंकि ना देखो डायग्नोसिस जो है हमने बहुत सारी पढ़ी थी, इथियोलॉजिकल, ठीक है, कहाँ पढ़ी थी, सोशल केस वर्क में, ऐसी ट्रीटमेंट भी खूब सारे पढ़े थे, इवेल्यूशन के भी तरीके बहुत सारे पढ़े थे। वहाँ पे आपको याद रखना है कि वहाँ पे ना जो रख पढ़े थे हमने इंडिविजुअल, यहाँ पे बस ग्रुप लगा देना है, एक ऐसे भी इसका आंसर बन सकता है, ठीक है। तो इसका कोई परफेक्ट आंसर नहीं बन सकता है। डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, इवेल्यूशन की इतने तरीके हैं कि आप पढ़ाने लग गया ना तो पूरा दिन ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम कुछ कुछ पढ़ेंगे लिमिटेड तरीके से, बाकी उसको आप जितना घुमा सकते हो एग्जाम में वो घुमा दोगे। पहले तो क्वेश्चन आता नहीं है, इसीलिए यार इस सोशल ग्रुप वर्क की प्रोसेस नहीं आती, बाकी सबकी प्रोसेस आती रहती है, वो इसलिए नहीं आते, भी खुद समझ में आएगा जब मैं पढ़ाने लग जाऊंगा। सबसे पहले हम देखते हैं स्टडी वाले को, ठीक है। तो जब क्या करेंगे, पहले हम ग्रुप बनाएंगे, ठीक है ना। तो हम उसमें तीन तरह की स्टडी कर सकते हैं। पहले स्टडी क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल की स्टडी कर सकते हैं, ठीक है, जो आ रहा है हमारे पास। फिर ग्रुप एज ए होल, पूरे ग्रुप एज ए होल उसकी कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम सिचुएशन की, ठीक है ना। जब हम एक ग्रुप बना रहे हैं तो उसमें इंडिविजुअल क्या है उसकी स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि उन इंडिविजुअल से एक ग्रुप फॉर्म होगा। फिर हम करेंगे पूरा ग्रुप जो है उसके क्या पैरामीटर्स होंगे, क्या नॉर्म्स होंगे, क्या ऑब्जेक्टिव होंगे, क्या क्या रिलेशनशिप के स्टेप होंगे, ठीक है, और प्रॉब्लम जो है उसको हम कैसे कैसे दूर करेंगे, ठीक है। ऐसी डायग्नोसिस का जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर डायग्नोस करता है ना क्या प्रॉब्लम है, ऐसी कुछ प्री डिटरमाइंड अप्रोचेस से हम उसकी डायग्नोसिस करेंगे कि वहाँ पे सिम्टम क्या है, क्या पहचानेंगे हम सिम्टम्स, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग प्रोबेबल जो हमारी डायग्नोसिस है, ठीक है ना, वो हम करेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं ग्रुप डायग्नोसिस, बहुत सारे लोगों की एक साथ करना। अब सिम्टम बहुत तरीके के हैं, ठीक है, उसी तरीके से अलग अलग डायग्नोसिस है, लेकिन अभी अभी इसी चार्ट पे घूमते रहो। फिर उसके बाद आता है ट्रीटमेंट, ठीक है। ट्रीटमेंट में क्या होगा कि हम देखेंगे कैसा ट्रीटमेंट करें, हम क्या कहते हैं, हमेशा इम्पैथेटिक तरीके से करेंगे कि सिंपैथी, इम्पैथी से करेंगे, ठीक है। सिंपैथी का मतलब होता है हमें सहानुभूति, इम्पैथी का मतलब होता है दूसरे की सिचुएशन में अपने आप को रखना और फिर सोचना, अच्छा उसको ये प्रॉब्लम हो सकती है तो इसे कैसे दूर करेंगे, ठीक है, और क्या रैपर्ट बना के करेंगे, ठीक है, बिलीव बहुत अच्छा करेंगे, तो इस तरीके की ट्रीटमेंट करेंगे। फिर इवेल्यूशन करेंगे, इवेल्यूशन वही मैंने बताया क्या, फीडबैक लेंगे उससे, सजेशन करेंगे, दोबारा उसको ज़रूरत है तो उसको दोबारा ग्रुप में करेंगे, बाकी जो होगा उनको ग्रुप से मुक्त कर देंगे। तो ये पूरा एक प्रोसेस है, ठीक है। अभी इसको आगे पढ़ाने का भी मेरा मन है नहीं, ठीक है, और इतनी तो मेरे पास फ्रीडम है, राइट वे, कि मैं पढ़ाना चाहूँ चाहे नहीं पढ़ाना चाहूँ, ठीक है। लोड मत लेना, मजाक कर रहा हूँ, इसको मैं आगे कभी एक दिन, आप इसको याद रखना कि ये आपका सोशल ग्रुप वर्क प्रोसेस की इन सब की जो डिटेल ये अधूरी रह गई है, इसको कभी मैं एक वीडियो में समअप कर दूंगा, अभी नहीं कर रहा, ठीक है ना। मैं इसके आगे हम पढ़ेंगे कि लीडरशिप को कैसा पैदा करते हैं, ठीक है, सोशल ग्रुप में, और ग्रुप के अंदर क्या कहते हैं प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, उन दोनों में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए, तो पहले उनको डील कर लेते हैं। इसको याद रखना, एक कमेंट में लिख भी देना, नहीं तो मेरी टीम मेरे को कभी याद दिलाई देगी। आगे बढ़ते हैं, तो ग्रुप के अंदर हम प्रोग्राम की प्लानिंग कैसे करेंगे, उसे डेवलपमेंट करेंगे, ये हर साल क्वेश्चन आता ही आता है, 15 मार्क्स में आएगा तो 20 मार्क्स में आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसके जो भी प्लानिंग करेंगे, ठीक है, वो तीन बेसिस पे करते हैं हम। तीन पैरामीटर क्या क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे इंडिविजुअल को, ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे ग्रुप, और फिर उसके बाद देखेंगे हमारे पास ऑपरेशनल वेरिएबल्स क्या क्या है। इन तीनों के अकॉर्डिंग हम पूरा
प्रोग्राम की प्लानिंग करेंगे। तो इसकी एक चार्ट होती है, ठीक है, इसमें डिस्क्राइब बहुत कम करना पड़ता है क्योंकि चार्ट खुद ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती है, ठीक है, टाइम भी बचता है और पेज भी बचता है और नंबर भी मिलते हैं। तो मैं पूरी चार्ट बना देता हूँ तो उससे पूरी प्लानिंग हो जाएगी। तो चार्ट को कैसे बनाना है यहीं पर देख लो। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है आइडेंटिफाई फेल्ट नीड, जो जरूरत पड़ गई है जिस नीड की उसको आइडेंटिफाई करना है, और क्या करना है, एंड फैक्टर फॉर पर्सनल ग्रोथ, ठीक है, जो ग्रुप के लिए जरूरत है और उनकी ग्रोथ के लिए जरूरत है सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करेंगे। इसको बोलते हैं हम इंडिविजुअल वेरिएबल। हमें तीन चीजें बताई ना, तीन पैरामीटर में करेंगे, तो इंडिविजुअल वेरिएबल इसके इधर साइड में आप लिख देना तो ये समझ जा रहा है, फ्लो डायग्राम बनना है। जैसे ही ये हो जाता है तो दूसरा स्टेप हमारा होता है ग्रुप वेरिएबल्स में। अब हम ग्रुप वेरिएबल्स में क्या करेंगे, ग्रुप को ही फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेशन करेंगे कि उस ग्रुप के ऑब्जेक्टिव क्या है। फिर क्या करेंगे, जो हम प्रोग्राम करेंगे ना उसकी प्लानिंग करेंगे कि कौन कौन से गेम या कौन कौन सी सिचुएशन उन्हें दिखानी है। फिर हम करेंगे मेंबरशिप पार्टिसिपेशन, कौन कौन कैसे पार्टिसिपेशन करेगा। फिर वही गाइडेड ग्रुप इंटरेक्शन, जितना हम चाहेंगे उतना इंटरेक्शन उनके बीच में होना चाहिए, फालतू का नहीं चाहिए। और उन्हीं के बीच में हमें क्या करना है, डेवलप द लीडरशिप, एक लीडर को पैदा करना है उनके लिए, ठीक है ना। तो ये हो गया ग्रुप वेरिएबल में, ठीक है। फिर इसके बाद तीसरा वेरिएबल क्या था हमारा, ऑपरेशन वेरिएबल। अगर इसको डिस्क्राइब करने की जरूरत भी नहीं है और ना वो चाहते हैं डिस्क्राइब करो, क्योंकि सबको पता है कि ये क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो रहे हैं। अलग से तो पूछ नहीं रहा है क्या, वो पूछ रहा है कि प्लानिंग कैसे होती है, तो और डेवलपमेंट की, तो यही प्लानिंग होती है और ऐसे ऐसे आता है, ठीक है। फिर क्या होता है ऑपरेशन वेरिएबल में, क्या है, सबसे पहले रिसोर्स का मोबिलाइजेशन करना है आपको। ये रिसोर्स मोबिलाइज कैसे करते हैं, पिछले मैंने बता दिया था, ठीक है। फिर उस रिसोर्स का यूटिलाइजेशन, जो मैंने बताया ना इफिशियंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। फिर क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करेंगे एक प्लान जो आपने बनाया होगा, इम्प्लीमेंटिंग ए प्लान, ठीक है, एंड एजेंसी ऑब्जेक्टिव, आपकी जो एजेंसी है एजेंसी का ऑब्जेक्टिव वो क्या है। फिर लास्ट में क्या करेंगे हम, इवेल्यूएशन एंड फीडबैक। तो ये पूरा हो गया तीन पिलर में आपको समझा देना, ये पूरा प्रोग्राम की प्लानिंग ऐसे ऐसे चार वहाँ पे कट पेस्ट कर देना है आपको, ठीक है। और इसको अगर डिस्क्राइब करवाए, अगर मान लो ये क्वेश्चन 20 मार्क्स में आ गया तो हल्का हल्का डिस्क्राइब कर देना, नहीं तो ये चार्ट बना के आ जाना। तीन वो मैंने शुरू में पैरामीटर बनाए, तो ये हो गया किसी भी प्रोग्राम की प्लानिंग करने के लिए डेवलपमेंट करने का तरीका, ठीक है। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे लीडरशिप डेवलपमेंट कैसे होती है, उसके बाद पूरा सोशल ग्रुप वर्क खत्म हो जाएगा, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे कौन कौन आ सकते हैं, फिर प्रैक्टिस करना आप। तो ग्रुप के अंदर देखो हमें लीडर बनाना है, तो उस लीडरशिप कैसे डेवलपमेंट करेंगे, तो इस पर 15 या 20 मार्क का क्वेश्चन आता ही आता है। तो सबसे पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें समझनी पड़ेंगी, लीडरशिप को पैदा कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कोई भी, नॉट एवरी पर्सन, ठीक है ना, कैन बी लीडर। सारे आदमी तो लीडर बन नहीं सकते, पहला तो हमें दिमाग में रखना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, उनमें से कुछ ही आदमी लीडर बन सकते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे कि जब हम उनको टास्क देंगे या उनकी पर्सनल काउंसलिंग करेंगे ग्रुप में, तो उनके कुछ ट्रेड को हम पहचानेंगे जिससे हमें लगेगा कि हाँ यार ये लीडर बन सकता है, ठीक है ना। तो उनको पहचान के उनकी जो सेल्फ है ना उसको हम बूस्टअप करेंगे। जब हम करेंगे बूस्टअप तो ऐसे उसके भी रिएक्शन, इसके हमने सेल्फ को बूस्टअप किया तो फिर इसका रिएक्शन भी आएगा। उस रिएक्शन को हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ यार लीडर बनने लायक है भी कि नहीं है। अगर है तो ठीक है, फिर उसको एक और टॉनिक देंगे, फिर उस टॉनिक का फिर रिएक्शन करेगा। अगर मान लो आपकी बार पहले बार में तो उसने सही रिएक्शन किया, दूसरे बार में उसने सही रिएक्शन नहीं करा, मतलब वो लीडर बनने लायक नहीं था। तो ऐसे ही जो हम उसको बार बार टॉनिक देंगे, सिचुएशन देंगे, ठीक है, तो हम समझेंगे कि कौन कौन लीडरशिप है, की क्वालिटी है कि नहीं। अभी हम लीडर घोषित नहीं कर रहे हैं, अभी हम इस सैंपल में हम अपने ग्रुप में देख रहे हैं कि किसको हम पिक करें कि कौन लीडर बन सकता है, ठीक है ना। फिर हम क्या करेंगे कि
लीडर जो वो होगा हमारा, जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी देखे, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी को, ठीक है, और किसकी, ग्रुप की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे, ठीक है ना। महेंद्र सिंह धोनी का नाम याद रख लो, ठीक है, सबको समझते थे ना, तो ऐसे ही एक ऐसा कप्तान हमें इस अपने ग्रुप में से हमेशा निकालना है, ठीक है। फिर उसके अंदर क्या होना चाहिए, हमेशा ये चीज जरूर होनी चाहिए, पॉजिटिव सेल्फ, क्या सेल्फ क्या होगा उसका, पॉजिटिव सेल्फ मतलब हो गया उसके अंदर हमेशा ना बहुत पॉजिटिव एनर्जी हो, मतलब हमेशा वो पॉजिटिव वे में सोचा हो, सोचे हर डिफिकल्टीज में, ठीक है ना, वो देखे कि यहाँ अपॉर्चुनिटी है, ठीक है ना, पैसिमिस्ट टाइप के उसके सोचने का ढंग हो, ठीक है ना। तो जब ऐसी चीजें हम देखेंगे जिसके अंदर सेल्फ परसेप्शन बहुत ज़्यादा है, टीम स्पिरिट ज़्यादा है, दूसरों के लिए करना बहुत कुछ चाहता है, तो ये जब ट्रेड हम आइडेंटिफाई करेंगे तो हम उसको एक पैरामीटर में रखेंगे तो हमें एक लीडर इस ग्रुप में से सामने आ जाएगा। तो वो क्या क्या पैरामीटर्स होंगे, या बोल दो स्टेप, ठीक है ना, इतना लिखने के बाद फिर वो हम स्टेप बना देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब मैं पूरे स्टेप बताता हूँ कि वो स्टेप क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला हमारा स्टेप होता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ वंस ओन रोल इन ए ग्रुप, ठीक है, किसी भी एक आदमी का उस ग्रुप में क्या क्या उसका खुद का रोल है, ठीक है ना, इस चीज को हम सबसे पहले समझेंगे। फिर उसके बाद क्या करते हैं हम, स्ट्रेंथनिंग ऑफ ईगो बाई ए ग्रुप वर्कर, ठीक है। अभी ये वाली ईगो नहीं है, कहते ईगो होना गंदी बात है, ईगो होना भी एक अच्छी बात है, थोड़ी ईगो तो होनी चाहिए, ठीक है ना। तो जो सोशल ग्रुप वर्कर मतलब हम जो प्रोफेशनल है, वो क्या करेगा, उस आदमी को पिक कर लिया, उसकी ईगो को थोड़ा बूस्ट करेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद तीसरा स्टेप क्या आएगा हमारा, रियलाइजेशन ऑफ देयर ट्रू पोटेंशियल बाई ग्रुप मेंबर। तो अब हम क्या करेंगे, उनका ट्रू पोटेंशियल को रियलाइज करने की कोशिश करेंगे, किसके द्वारा, ग्रुप मेंबर के द्वारा, वो उसको बूस्टअप करेंगे, तो उनको देख के उसके अंदर भी एक भावना आएगी कि हाँ मैं लीडरशिप कर सकता हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद का जो स्टेप होता है वो होता है पॉजिटिव सेल्फ पार्टिसिपेशन, पॉजिटिव सेल्फ पार्टिसिपेशन नहीं होता, सॉरी, परसेप्शन होता है अमंग मेंबर्स, ठीक है, पॉजिटिव सेल्फ पार्टिसिपेशन अमंग मेंबर्स। फिर उसके बाद अगला स्टेप होता है मोटिवेट एंड इंस्पायरिंग ईच अदर, मोटिवेट एंड इंस्पायरिंग ईच अदर, एक दूसरे को इंस्पायर करो, ठीक है। फिर उसके बाद स्टेप होता है प्रिपेयर्ड फॉर डिस्चार्जिंग हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हमने लीडर चुनने वाले हैं उसको प्रिपेयर्ड करो फॉर किसके लिए, डिस्चार्जिंग हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब वो दायित्व को निभाने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि अब वो लीडर बनने वाला है, मुकुट मिलने वाला है उस राजा का। फिर उसके बाद क्या है, टीम स्पिरिट एंड टीम एफर्ट, जब ये वाला स्टेप भी पूरा हो गया तो हमारा लास्ट स्टेप होता है अचीवमेंट ऑफ गोल बाई लीडिंग इन देयर ओन कैपेसिटी। अब उन लोगों की खुद कैपेसिटी जो होगी, अब हमें मतलब नहीं है, उसके अकॉर्डिंग अपना वो कर देंगे। तो ये आज सारी स्टेप जो है ऐसे के ऐसा आपको वहाँ पे है, डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। इन केस फिर भी डिस्क्राइब करें तो एक छोटा सा एग्जांपल लेके ख़त्म कर देना, कि मतलब छोटा सा एक हम ग्रुप बना रहे हैं, ठीक है ना, वो मतलब क्या कहते हैं, किसका लेना चाहो ग्रुप, वीडोज़ का ग्रुप ले लेते हैं, ठीक है, या डोमेस्टिक वायलेंस जिन पे होता है उनका ग्रुप ले लेते हैं। फिर उसमें फिर सबको एग्जाम्पल फिट कर देना, उनमें से किसी एक वुमेन को हेड बना देना जो उनके अधिकारों के लिए लड़े,
ठीक है, जो उनके लिए मतलब अधिकार के लिए ना भी लड़ पाए तो सेल्फ को छोटा मोटा रोजगार करना शुरू कर दें, अपने पोटेंशियल को जो है रियलाइज करें और अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, वही उनका उनकी कैपेसिटी का एनालिसिस हो जाएगा, ठीक है, वही अचीवमेंट ऑफ गोल हो जाएगा। तो लीडरशिप डेवलपमेंट पे क्वेश्चन आता ही आना है, ठीक है। अब मैं चार पांच क्वेश्चन और डिस्कस करता हूँ, उसके बाद सोशल ग्रुप वर्क पूरा फिनिश हो जाएगा। पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार आता है, डिस्कस सिग्निफिकेंस, स्पेलिंग खुद ही मिला लेना, ऑफ सोशल वर्क, सोशल ग्रुप वर्क, ठीक है, मेथड इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। कितना जेन्यून क्वेश्चन है, ठीक है, विथ एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल पुट कर दो कि कैसे आप सोशल ग्रुप वर्क, जो जितनी चीजें मैंने पढ़ाई, ग्रुप से कैसे इन्हांस करोगे, तो कोई भी एक एग्जाम्पल लेके आपको बनाना है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है यहाँ पे, डिस्कस द रोल ऑफ सोशल ग्रुप वर्कर एंड द वेरियस प्रोसेस, प्रोसेस का मतलब वही जो अभी हम पढ़ रहे थे, जो मैंने कहा मैं डिस्क्राइब नहीं करना चाहता हूँ, यूज्ड बाई हिम इन द सोशल ग्रुप वर्क प्रोसेस, ठीक है ना। तो वो ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस, ठीक है, वो तो वो यहाँ पे इसे सोशल ग्रुप वर्क मत पढ़ना, वर्कर है ये, ठीक है, काम करने वाला, करता, ठीक है ना, तो क्वेश्चन का मतलब ही अलग हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, डिस्कस क्रिटिकली, क्रिटिकली मैंने जहाँ बताया वहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लिखने होते हैं, द प्रोसेस ऑफ प्रोग्राम प्लानिंग, अभी जो चार्ट बनाया था हमने, प्रोग्राम प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, वही क्वेश्चन है, बहुत बार आता है इन सोशल ग्रुप वर्क मेथड, तो वही चार्ट बना देना, उसका क्रिटिकली एनालाइज कर देना है। चौथा, डिस्कस एनालाइटिकली द प्रोसेस ऑफ लीडरशिप, लास्ट क्वेश्चन, लीडरशिप डेवलपमेंट इन सोशल ग्रुप वर्क प्रोसेस, ठीक है। एनालिटिकल का मतलब होता है कि आप कुछ एक चार्ट वूट ऐसा कुछ बनाए वहाँ पे, ठीक है, मतलब साइंटिफिक वे में आपको एनालिसिस करना है, तो वो हमने चार्ट बनाया था वही ठोक देना है यहाँ पे। तो ये चार क्वेश्चन मुझे लगता है, अगर आप चारों क्वेश्चन कर पा रहे हो तो 80% आप समझ चुके हो, ठीक है, आंसर करो इनके, कहीं दिक्कत आती है तो आप कमेंट में करो इसको, ठीक है। इसके बाद अब हमारा नया यूनिट शुरू होगी, वो ही कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के वीडियो स्टार्ट होंगे 4.0 से लेके, ये तो 3 वाली सीरीज खत्म हो गई। प्लीज सीरीज में देखो तभी समझ में आएगा सारा क्वेश्चन, जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल रहा हूँ ना, इसी में से आपको मैं कह रहा हूँ 80 to 90% क्वेश्चन ऐसे के ऐसे लैंग्वेज में लिखे मिल जाएंगे, आंसर तैयार रख करके रखो उसको, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताते रहो, टाइम मेरे पास बहुत कम है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पेपर से पहले आपके पास पूरा ये वीडियो हो जाए, पूरे कोर्स के सब्सक्राइब करो और लोगों से सब्सक्राइब भी कराओ, जिससे मेरा और भी मन करे कुछ करने का, ठीक है। तो यहीं पे हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, थैंक यू वेरी मच, बाय।